कोठड़ी उपखंड कार्यालय के सामने रखी कैबिनें मंगलवार सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण जल गई। आग लगने के कारण कैबिनों में रखे लाखों रुपए के स्टाम्प पेपर व कंप्यूटर लैपटॉप सहित अन्य मशीनरी जलकर राख हो गई। जानकारी के मुताबिक कोठड़ी निवासी उज्जवल जैन, दिनेश जाट व नीलेश की कैबिनों में आग लग गई। उज्जवल जैन की कैबिन में आग ने भीषण रूप धारण किया, जिसकी चपेट में अन्य कैबिन भी आ गई। जैन ने बताया कि कैबिन में 5 लाख रुपए कीमत के स्टाम्प पेपर, 100 से अधिक पट्टा रजिस्ट्री के दस्तावेज सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज व लाखों रुपए के कंप्यूटर लैपटॉप प्रिंटर सहित अन्य मशीनरी पूरी तरह जलकर राख हो गई। पास की दिनेश व नीलेश की कैबिनों में पड़ी मशीनरी भी पूरी तरह जल गई। आग की सूचना मिलते ही कोठड़ी पुलिस व ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया। दमकल को सूचना दी गई पर भिलवाड़ा मुख्यालय से गाड़ी आने में देर हो गई, इससे पहले ही आग पर काबू पा लिया गया।